नमस्कार, आप सुन रहे हैं सीओई न्यूज। पेश है आज के कुछ मुख्य समाचार। 30 तक फीस नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द, किसे मिलेंगे स्वर्ण रजत कांस्य पदक। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगा जब्त। इसी के साथ समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी व निजी बहु तकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग व द्वितीय वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 1000 अभ्यर्थियों ने बिना फीस के ऑनलाइन आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी 30 मई तक फीस जमा करवाएं, अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन रद्द समझा जाएगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड व सचिव ORK शर्मा ने बताया कि सरकारी व निजी बहु तकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग व द्वितीय वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए लगभग 3200 सीटें भरी जानी है, जिसके लिए अब तक 7500 अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 1000 अभ्यर्थियों द्वारा फीस जमा नहीं करवाई गई है। अंत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वह 30 मई 2022 रात 12 बजे से पहले अपनी फीस अवश्य जमा करवाएं, अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया हेतु योग्य नहीं होंगे। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर HK चौधरी ने कहा कि बेहतरीन और प्रभावी पत्रिकाओं में गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र प्रकाशित करने वाले PhD शोधार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण रजत व कांस्य पदक प्रदान करेगा। शनिवार सुबह PhD शोधार्थियों ने के साथ बातचीत करते हुए कुलपति ने यह कहा। घोषणा की कुलपति ने सलाह दी कि आपको सभी को एक साथ नए परिणामों की ओर ले जाने वाले अनछुए रास्तों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम हिमालय की गोद में रहते हैं, जो हमारी ताकत है। पुलिस थाना नगरोटा के अंतर्गत आते क्षेत्र में कोई भी डीजे वाला रात 10 बजे के उपरांत डीजे बजाता पाया गया तो पुलिस उसका चलान करेगी, वह सारा सामान जब्त किया जाएगा। SHO नगरोटा बगवा अशोक राणा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज व बी फॉरेंसिक कॉलेज के बाहर टिप्पर राइडिंग कर रहे युवाओं को वार्निंग दी गई है, यदि फिर भी नहीं माने तो उनके चलान काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभिभावक भी बिना लाइसेंस अपने बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने को दे रहे हैं। पुलिस ऐसे वाहनों के वाहन जब्त करेगी, वो उनके माँ बाप को दोषी मानेगी। इसी के साथ धन्यवाद।